हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंस्टा फ्लो ट्यूटोरियल वीडियो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड आपके घर में भी सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ नया सीखने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो iOS टाइमर एंड यहां पे भी देख सकते हो आप iOS की तरह यूज़र नेम, ये दोनों आपको यहां पे शो हो रहा है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो यूज़र नेम एंड यहां पे टाइमर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने इंस्टा फ्लो से इस टाइप के यहां पे स्टोरी कैसे लगा सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। सबसे पहले तो आपको डिस्क्रिप्शन से जाना है और अपने इंस्टा फ्लो को अपडेट कर लेना है। इसको इंस्टॉल कैसे करना है ये मैं वीडियो में आपको आगे बताया हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक वॉच करो। तो सबसे पहले तो आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है जेड आर्चीवर। वो आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएगा। तो इधर जैसे मैं प्ले स्टोर पर आओ एंड यहाँ पे ये नाम सर्च करो, जेड आर्चीवर ये वाला एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल कर लो या फिर आप फाइल मैनेजर का यूज़ कर सकते हो। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जेड आर्चीवर इंस्टॉल कर लो। देन आपको ओपन पे क्लिक करना है। फिर आप जो डाउनलोड किए रहोगे वो आपके डाउनलोड फोल्डर में आ गया होगा। तो इधर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ एंड मेरे को इधर एक देखने को मिल जाएगा न्यू इंस्टा फ्लो के नाम से यहाँ पे फोल्डर। तो इसको आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे फिर आपको इधर एक फोर्थ नंबर पे क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट वाले बटन पे। जैसे आप फोर्थ नंबर पे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे आपको लगेगा कुछ हुआ ही नहीं, बट ये हो चुका है। फिर आपको ऊपर एक डाउनलोड लिखा हुआ दिख रहा है, आपको इस डाउनलोड वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड वाले पे क्लिक करोगे आपके सामने चार पांच ऑप्शंस आएंगे। फिर इधर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे डिवाइस स्टोरेज का। जैसा मैं करवा रहा हूँ ये करना इंपॉर्टेंट है, तभी आपके फ़ोन में वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। तो आपको इस डिवाइस वाले पे क्लिक करना है, डिवाइस स्टोरेज पे। तो जैसे आप इधर डिवाइस स्टोरेज पे क्लिक करते हो आपका यहाँ पे डिवाइस वाला जो फोल्डर होता है मेन होता है वो ऑन हो जाएगा। फिर आपको एक इधर नीचे एक डाउनलोड जैसा आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पे ये डाउनलोड आइकन यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपसे पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड वीडियो में कहीं पर भी है तो वीडियो को ध्यान से देखना पासवर्ड के लिए। फिर पासवर्ड फिल करके आपको ओके कर देना है। जैसे आप पासवर्ड फिल करके ओके करोगे यहाँ पर बोल रहा है कि ये फोल्डर है मेरे फ़ोन में ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो उसको मैं अप्लाई टू ऑल फाइल्स पे करके रिप्लेस कर देता हूँ। आपका ऐसा कुछ बोलेगा तो आप भी कर देना, अदरवाइज इस पर ऐसे ही क्लिक कर देना या एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। फिर आपको सबसे नीचे एक एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा जो कि इंस्टा यहाँ पे स्पॉइलर टैग APK लिखा होगा। इस पर आपको क्लिक करना है एंड इंस्टा फ्लो को अपडेट कर लेना है। तो मैंने इसको ऑलरेडी अपडेट कर रखा है तो मैं अपडेट नहीं करूँगा। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि आप इसको इनेबल कैसे कर सकते हो एंड आप iOS की तरह रील कैसे लगा सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई ये क्या करना है कि iOS की तरह रील लगाने के लिए आपको दो तीन कमांड्स हैं। अगर आपके फ़ोन में ये कमांड्स ऑलरेडी इनेबल हैं तो उसको डिसेबल करना पड़ेगा, अगर आपका डिसेबल है तो उसको इनेबल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको होम बटन पे लॉन्ग प्रेस करना है 2 से 3 सेकंड तक, जिससे कि आप डेवलपर मोड पे शिफ्ट हो जाओ। जैसे आप डेवलपर ऑप्शन पे आ जाओ फिर आपको इधर क्लिक करना है मेटा कॉन्फिग सेटिंग वाले ऑप्शन पे। जैसे आप इधर क्लिक करोगे इधर आपको सर्च करना है क्लिप्स ब्रांडिंग। जैसे आप इधर सर्च करोगे सॉरी क्लिप्स वीडियो स्टिकर सर्च करना है, सॉरी गलती से निकल गया, क्लिप्स ब्रांडिंग। देन ये सारे ऑप्शंस को आपको डिसेबल कर देना है, इनेबल नहीं करना है, सारे ऑप्शंस को डिसेबल कर देना है। आपका जो इनेबल होगा उसको भी आप डिसेबल कर देना। फिर आपको इधर सर्च करना है मेंशन, जिससे कि हम iOS की तरह मेंशन कर पाएँ। तो जैसे आप मेंशन सर्च करोगे एंड फर्स्ट वाले ऑप्शन को आपको इनेबल कर देना है मेंशन वाले में। एंड फिर आपको एक और चीज़ सर्च करना है इमोजी फिक्स करने के लिए, वो आपको सर्च करना है इमोजी। जैसे आप वहीं पर इमोजी सर्च करोगे थोड़ा सा नीचे आपको स्क्रॉल करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है माइग्रेटेड का, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका इनेबल होगा तो उसको आप डिसेबल कर देना है। एंड ये ऊपर वाले पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपका 5 लिखा होगा तो इसको आपको 0 करके ओके कर देना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसको 0 करके ओके कर रखा है। फिर आपको एक और ऑप्शन इनेबल करना है जिसका नाम है स्क्रूबर। तो इसको आप ध्यान से देखना, इसका नाम है स्क्रूबर ड्यूरेशन, एक सेकेंड, SCRU होता है, मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया था। जैसे आप इसको स्क्रूबर ड्यूरेशन सर्च करोगे यहाँ पे 95 लिखा होगा तो इसको भी आपको चेंज करना है एंड 95 को 0 करके ओके कर देना है। जैसे आप इतना काम कर देते हो आपका यहाँ पे आधा प्रोसेस खत्म हो चुका है। इसको आपको कट करना है एंड कट करने के बाद मतलब एक बार अपने इंस्टा फ्लो को रिस्टार्ट करना है, अदरवाइज जितने भी आप कमांड्स ऑन किए वो कमांड्स आपका वर्क नहीं करेगा। एंड ये करने के बाद आप मैं एक यही ये वाला ही रील लेता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए। तो वो जैसे कि आपने स्क्रूबर वाला ऑन किया तो आपको यहाँ पे टाइमर का पता लग गया कि ये रील हमारे कितने सेकंड का है। तो ये रील हमारे 7 सेकंड का है। तो अब इस रील को हम अपना लगा के दिखाते हैं कि आपको आप कैसे लगा सकते हो। तो इधर मैंने शेयर पर क्लिक किया, ऐड टू योर स्टोरी पर क्लिक किया ताकि ये रील हमारा लगे। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर टाइमर नहीं आया एंड यूज़र नेम नहीं आया। तो टाइमर एंड यूज़र नेम के लिए आपको थोड़ा सा इसको छोटा करना है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इसका यूज़र नेम आपको टाइप करना पड़ेगा। तो इसका यूज़र नेम है इट्स मी, यहाँ पे मैं इसका यूज़र नेम टाइप कर लेता हूँ, इट्स मी
सिद्धार्थ, ठीक है। जैसे आप इसका यूज़र नेम टाइप कर लोगे, ये कुछ आपका इस टाइप का यूज़र नेम आएगा, फिर आपको इस रील को अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करना है कि आप इस रील को कितना बड़ा कितना छोटा रखना चाहते हो। मैं इस रील को इतना बड़ा रखना चाहता हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ ताकि ये रील मेरे फ़ोन में एडजस्ट हो जाए। जैसे आप इसको एडजस्ट कर दोगे, फिर आपको क्या करना है कि इसको यूज़र नेम को भी एडजस्ट कर देना है कुछ इस प्रकार से, जिससे कि आपका यूज़र नेम भी लगे कि हाँ ये आईफोन से लगा हुआ है। एंड जैसे आप इसको एडजस्ट कर देते हो, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर आप इसको अप डाउन करना है, मतलब इसको स्वाइप अप करना है। फिर आपके सामने एक गैलरी स्टिकर का आइकन है यहाँ पे, जिससे कि आप गैलरी से भी फोटोज़ को ऐड करते हो, इस पर क्लिक करना है। एंड मैंने आपको यहाँ पे कलर वाले भी PNG दे रखे हैं, एंड नीचे जाओगे तो यहाँ पे मैंने एक्सपेंसिव PNG भी दे रखे हैं, तो आपको जो भी PNG अच्छा लगे आप वो PNG यूज़ कर सकते हो। तो मैं एक ये एक्सपेंसिव PNG वाला ले लेता हूँ, एंड इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ ताकि यहाँ पे ये बिल्कुल iOS की तरह लगे। देन नाउ आप देख सकते हो कि ये जो हमारा रील है ये बिल्कुल आईफोन की तरह एडजस्ट हो चुका है। अब बोलोगे कि भाई टाइमर नहीं आया, ठीक है, तो टाइमर के लिए आपको एक और एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है GBox। ये आपको भी प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो मैं प्ले स्टोर पर आपको चेक करवाता हूँ, तो इसको भी आपको इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा। जैसे आप इधर GBox सर्च करोगे एंड इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना एंड ओपन करना। जैसे आप इसको ओपन करोगे एंड आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये ऑन होने में टाइम ले रहा है, तो जैसे आप ऑन करोगे फिर आपको ये जो जी कीबोर्ड आपका GBox कीबोर्ड दिख रहा है, ये आपका लास्ट में देखने को मिलेगा, मतलब इन 8-9 ऑप्शन में कहीं पे भी होगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप GBox कीबोर्ड पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे स्विच टू GBox कीबोर्ड का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक करके एंड इस GBox पे शिफ्ट कर देना है। जैसे आप GBox पे शिफ्ट करोगे बस आपका काम हो गया ख़त्म, एंड वापस से आपको रिवाले ऑप्शन पे आना है। फिर इधर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है AA लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे फिर नीचे आप सबसे देख सकते हो ABC इमोजी GIF एंड एक यहाँ पे गैलरी जैसा आइकन बना है, तो आपको सिंपली गैलरी वाले आइकन पे क्लिक करना है। फिर आप गैलरी वाले, एक सेकंड यहाँ पे ये बैक हो गया, मैं वापस से उस पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे आप गैलरी वाले आइकन पे क्लिक करोगे आपको डाउनलोड्स पे क्लिक करना है, फिर आपके फ़ोन में एक ऑटोमेटिक यहाँ पे टाइमर नाम से आपका बन गया होगा, क्या कहते हैं, अरे टाइमर नाम से फोल्डर बन गया होगा, आपको उस टाइमर वाले पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे ये सबसे फर्स्ट वाला जो है ना हमारा, वो है 5 सेकंड का PNG, सेकंड वाला 6 का है एंड थर्ड वाला 7 सेकंड का है, तो अब थर्ड वाला को मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। देन नाउ आप देख सकते हो कि बिल्कुल हमारा आईफोन की तरह यहाँ पे स्टोरी लग चुका है। इसको मैं स्टोरी लगा भी देता हूँ एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। अब हम जानेंगे कि इसको डाउनलोड कैसे करना है, तब तक ये हमारे यहाँ पे स्टोरी लग जाएगा। तो डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप जो अभी मेरा वीडियो देख रहे हो ना, उस वीडियो को फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको लाइक कर देना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तब तक आप मेरे लिंक से डाउनलोड नहीं कर पाओगे। तो यहाँ से मैं मोर वाले बटन पे क्लिक करता हूँ एंड अभी मैंने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि ताकि मैं आपको चेक करवा दूँ कि जब तक मैं सब्सक्राइब नहीं करूँगा तब तक मैं डाउनलोड नहीं कर पाऊँगा। तो फिर आपको मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि ये डाउनलोडिंग लिंक है तो इस पे क्लिक करना पड़ेगा। एंड आपके फ़ोन में भी अगर डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम आता है तो आप एक काम करना, ऊपर से 3 डॉट दिख रहा है, इस 3 डॉट पर क्लिक करना एंड एक इधर ऑप्शन देखने को मिलेगा ओपन इन क्रोम का, तो इसको आप क्रोम पर ओपन कर लेना ताकि आप बहुत ही ईजिली इसको डाउनलोड कर पाओ। थोड़ा सा यहाँ पर इंटरनेट स्लो है इसलिए थोड़ा लोडिंग स्लो हो रहा है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ये आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, अगर आपने सब्सक्राइब किया रहता तो ये वाला ऑप्शन नहीं आता, डायरेक्ट यहाँ पे लिंक ऑप्शन आ जाता, तो मैंने यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो मैं वापस जाके इसको सब्सक्राइब करता हूँ। जैसे मैं इधर सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करूँगा, इधर एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, तो मेरे को यहाँ से सब्सक्राइब करना है एंड इसको बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना है ताकि वहाँ से मेरा लिंक ऑन होने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो जैसे मैं इधर आऊँगा देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा लिंक मिल चुका है, डाउनलोडिंग लिंक, एंड एक क्लिक पे मैं इधर से डाउनलोड कर सकता हूँ। जैसे मैं इधर गेट लिंक पे जाऊँगा एंड नाउ आप देख सकते हो कि मीडिया फायर का लिंक है, यहाँ से क्लिक करते ही मैं इसको डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ। डाउनलोड करना है, फिर आपको ZRCOR में जाना है, पासवर्ड फिल करना है एंड इंस्टॉल कर लेना है। आई होप आपको इस वीडियो में मैं सब कुछ समझा दिया रहूँगा। पासवर्ड वीडियो में आपको कहीं पे भी मिल गया होगा, तो पासवर्ड आप ध्यान से देखना एंड आप देख सकते हो कि iOS की तरह टाइमर, यहाँ पे iOS की तरह यूज़र नेम आ चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो आप वीडियो में कमेंट करके बता देना। एंड एक इंपॉर्टेंट सेटिंग जो मैं वीडियो में भूल गया, तो उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे आना है, देन आपको ऊपर यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा है, इस 3 डॉट पे क्लिक करना है। जैसे आप इधर इस 3 डॉट पे क्लिक करोगे फिर आपके सामने एक इधर ऑप्शन देखने को मिलेगा इंस्टा फ्लो सेटिंग का, आपको इंस्टा फ्लो सेटिंग वाले ऑप्शन पे आना है। फिर आपको एक इधर देखने को मिलेगा फीड एंड मीडिया का, आपको उस पर क्लिक करना है। एक बार मैं मार्क करके भी आपको दिखा देता हूँ, इस फीड एंड स्टोरीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे फिर आपको इधर एक देखने को मिलेगा कस्टमाइज स्टोरी फॉन्ट का, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर इधर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा लोड फॉन्ट फ्रॉम फाइल का, आपको इस पर क्लिक करना है।
जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे लिखा हुआ है स्पॉइलर टैग iOS TTF, तो आप इसको यूज़ कर लेना इस पर क्लिक करके। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपका फॉन्ट चेंज हो जाएगा एंड iOS फॉन्ट में आपका ऐप शिफ्ट हो जाएगा।